आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस नेताओं ने आज स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रीवा कलेक्टर से मुलाकात की तथा अपनी शंकाओं को उनके सामने रखते हुए वहां की कमियों को तत्काल दूर करने की मांग की। रीवा जिले के विभिन्न विधानसभाओं के कांग्रेस प्रत्याशियों के द्वारा आज रीवा कलेक्टर प्रीति मैथिल से निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुलाकात की तथा अपनी अपनी शंकाओं के बारे में बताया। इस दौरान गोड रीवा तथा सेमरिया क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशियों ने अनयूज्ड ईवीएम मशीनों के बारे में जानकारी मांगी। स्ट्रांग रूम के सुरक्षा को लेकर और जो अनयूज्ड ये अपनी ईवीएम मशीन से उसके बारे में कुछ शंकाएं थी, जिसके बारे में हम लोगों ने जिला निर्वाचन अधिकारी से बातचीत किया है। लगभग हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन और पुख्ता सुरक्षा हो इस संबंध में उनसे चर्चा की गई। अभी जो सदस्यों का कांग्रेस पार्टी के लोग उनसे मिलने आए थे, उन सभी को हम लोगों ने ईसीआई के जो निर्देश हैं उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराई है। वेयरहाउस की सिक्योरिटी और उसमें जो इनर कॉर्डन आउटर कॉर्डन सब बनने हैं, उसमें कितने कितने बल के कौन से आदमी लगने हैं, कहाँ पे क्या रहना है, इसके सभी निर्देश जो हैं वो उनको उपलब्ध करा दिए गए हैं और वो सभी लोग वो निर्देश पा के संतुष्ट हैं। रीवा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अभय मिश्रा ने बताया कि क्षेत्र के कई पोलिंग में पीठासीन अधिकारियों के द्वारा दी गई गणना पत्रक की जानकारी तथा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट की जानकारी से भिन्न पाई गई, जो कि गड़बड़ी करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके अलावा उन्होंने रीवा एसपी समेत 5 अधिकारियों की गणना में ड्यूटी न लगाए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि ये अधिकारी बीजेपी सरकार के अधीन हैं और दबाव में काम कर रहे हैं। हालांकि रीवा कलेक्टर ने सभी की बातें सुनकर पारदर्शिता तथा निष्पक्षता का भरोसा दिलाया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।